सो हे गाइज, जिनुअल बैक टेक स्टाइल, आप देख रहे हो इसमें टेक एजुकेशनल वीडियो। तो यहाँ पे गाइज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अपने YouTube वीडियो पे हम लोग कैसे आई कार्ड यानी आई बटन कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग अब देख सकते हो। तो गाइज इसे ही आई कार्ड यानी आई बटन बोला जाता है। आप लोगों ने कई सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखे होंगे जिसमें वो लोग बताते हैं कि मैंने वीडियो का लिंक आई बटन ऊपर आई बटन में दे दिया है, तो गाइज इसे ही आई बटन कहा जाता है। तो इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे अपने यूट्यूब वीडियो में आई बटन कैसे लगा सकते हो, भी सिंपली तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। मैं आपसे बता दूं कैसे आप लोग अपने YouTube वीडियो में आई बटन कैसे ऐड कर सकते हो। गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूं इससे क्या क्या फायदा होता है। आप जब भी अपने YouTube वीडियो पे आप आई बटन लगा दोगे तो इससे क्या होगा कि आप जो भी आपका वीडियो कोई वॉच करे, आप बताओगे यार मेरा ये वीडियो यहाँ पे आई बटन, मैंने उसका लिंक दे दिया, वहाँ से आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हो। तो अगर आपको कोई ये वाला वीडियो देख रहे, मेरा ये वाला वीडियो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आई बटन में कोई वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप मेरे सेकेंड वाले वीडियो पे चले जाओगे और मेरे इस वीडियो पे व्यूअर्स आएंगे और अगले वाले वीडियो पे व्यूअर्स आएंगे। तो गाइस ये होता है आई बटन लगाने से फायदा। तो गाइस इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कैसे हम लोग आई बटन अपने यूट्यूब वीडियो पे लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए मैं सिंपली अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल में जाकर किसी ब्राउजर को ओपन करके अपने यूट्यूब का डैशबोर्ड ओपन कर लें। यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में आके अपने यूट्यूब का मैंने डैशबोर्ड जो है कि ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है यहाँ पे एरो का निशान, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप मोबाइल में भी यूज करें तो भी आपको ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अगर आप पीसी में भी यूज करें फिर भी आपको यही सब ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपके यूट्यूब चैनल पर जितने भी सारे वीडियो होंगे यहाँ पे सभी शो करेंगे। तो आपको जिस भी अपने वीडियो पे आई बटन यानी आई कार्ड लगाना है तो यहाँ पे आपको सिंपली उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे ये वाले पहले वाले वीडियो पे मुझे लगाना है आई बटन, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आपका रोल का आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कार्ड का ऑप्शन, आई कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने फिलहाल यहाँ पे आई बटन ऐड करके लगा रखा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इन सभी जो है कि आई बटन यानी वीडियो का लिंक जो मैंने यहाँ दिया सभी को मैं सबसे पहले डिलीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है कि बताता हूँ कैसे आप लोग आसानी से लगा सकते। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो है कि जो आई बटन मैंने लगाया था उसको तो रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं आप सभी को जो है कि दिखाता हूँ कैसे आप लोग लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो वीडियो का ऑप्शन देख रहा है उसके नीचे प्ले लिस्ट, उसके बाद चैनल, तो आप चाहो तो यहाँ पे आई कार्ड में अपना वीडियो लगा सकते हो, या फिर चाहो तो प्ले लिस्ट भी लगा सकते हो, या फिर अपने चैनल का जो है कि लिंक भी आप दे सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिंक ऑप्शन है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग आसानी से वीडियो लगा सकते हो। यहाँ पे आपको जो वीडियो का ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सारे जो है कि वीडियो शो होंगे। तो यहाँ पे आप जो जिस भी वीडियो को लगाना चाहते हो उस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक वीडियो सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक वीडियो आ चुका। उसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ भी जिस भी एंगल में जिस भी डायरेक्शन में आपको लगाना है जो है कि आई बटन आई थिंक मतलब आई कार्ड, तो यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ पाँच वाले पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो आपका रो यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद प्ले लिस्ट, चैनल, वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो भी लगाना लगा सकते हो। यहाँ पे मैं फिलहाल आपको एक और वीडियो लगा के दिखाता हूँ। मैंने वीडियो पे क्लिक किया, यहाँ पे वीडियो दूसरा मैंने लगा दिया, फिर इधर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं फिर वीडियो लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं वीडियो लगा सकता हूँ फिर से। यहाँ पे मैंने वीडियो पे क्लिक किया और मैं कोई और अदर वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग आसानी से आई कार्ड लगा सकते हो। मैं आपको बता दूँ एक साथ आप जो इस एक वीडियो में आप चार आई कार्ड लगा सकते हो, यानी आई बटन आप चार ही आई बटन लगा सकते हो। उसके बाद आप चाहो प्ले लिस्ट लगाना है तो फिर से यहाँ पे आपको जो प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस के आइकन पे। उसके बाद यहाँ पे प्ले लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जितने भी आपके यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट आपने क्रिएट बना रखा होगा यहाँ पे सभी शो करेंगे। यहाँ पे मैं फिलहाल ले लेता हूँ टेक स्ट्रगल वाला, क्योंकि मेरा चैनल ही टेक स्ट्रगल, तो मैंने उसको भी ले लिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने चार आई कार्ड यानी कि आई बटन मैंने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंपली से आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग देखते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा रखा है तो यहाँ पे हो गया। तो गाइस इस तरीके से आप लोग भी लगा सकते हो अपने यूट्यूब वीडियो पे आई कार्ड यानी आई बटन और व्यूअर्स भी पा सकते हो। आपके इस चैनल इस जो कि जो वीडियो कोई भी देख रहा है उस पर आसानी से आप लिंक दे दो ऊपर, तो आसानी से उस पर क्लिक करके आपके सेकेंड वाले वीडियो पर जो भी की चला जाएगा।